यूपी खबर स्पेशल में आपका स्वागत है। खबर देखेंगे बरेली रायबरेली से। खबरें देखने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। रायबरेली जनपद के ऊंचाहार क्षेत्र में उमरन एस डाइक से उड़ने वाली कोयले की राख ने ग्रामीणों का जीना दूभर कर दिया। कल उमरन एस पॉन्ड से सटे ग्रामीणों ने NTPC परियोजना प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों में अखिलेश यादव ने बताया कि एस पाउंड से उड़ने वाली राख घरों तक जाती है। खाना पीना सांस लेना हर क्रिया के माध्यम से राख शरीर में प्रवेश करती है। रमेश चौरसिया ने कहा है कि राख से लोग दमा अस्थमा और क्षय रोग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। सीपेज की वजह फसल पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। समस्या से प्रभावित गाँव सुमेरबाग रायपुर गौसपुर उमरन झालाबाग सेमरा गंगेहरा और रघुनाथपुर लबेदवा जैसे दर्जनों गांव ग्रसित हैं। अगली खबर के अनुसार रायबरेली जनपद में महिला ने पुलिस पर फटकार कर भगाने का आरोप लगाया। कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथ लबेदवा गांव की निवासी ललित महिला ने गांव के ही एक रसूखदार युवक पर चुनावी रंजिश के चलते बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। उचित कार्रवाई ना होने से महिला ने नाराजगी जाहिर की है। पीड़िता का आरोप है कि जब रविवार को FIR की नकल लेने पहुंची तो उसे कोतवाली पुलिस ने फटकार लगाकर भगा दिया। आगे महिला न्याय चाहती है। अगली खबर के अनुसार रायबरेली में किसानों ने जताई नाराजगी। रायबरेली के अहार गांव में गंगा एक्सप्रेस वे में जा रही जमीनों को सामान्य दर पर अधिग्रहित करने की कार्रवाई का किसानों ने किया विरोध। किसान नेता राजकिशोर सिंह बघेल के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने रायबरेली में DM कार्यालय पहुंचकर की नारेबाजी और सिटी मजिस्ट्रेट युवराज सिंह को ज्ञापन दिया। किसान नेता राजकिशोर से बातचीत में बताया कि गंगा एक्सप्रेस वे के लिए चल रही जमीन अधिग्रहण कार्रवाई में रेल कोच फैक्ट्री एरिया अहार गांव की जमीनों का मूल्यांकन सामान्य दर पर किया जा रहा है, जबकि रेल कोच फैक्ट्री एरिया के रेडियस की भूमि औद्योगिक क्षेत्र में आती है और उसका उसी के अनुकूल मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अंतिम खबर है बरेली जनपद से। बरेली के फरीदपुर में पुलिस की भारी लापरवाही के चलते एक ही रात्रि में चोरों ने दिया कई घटनाओं को अंजाम। 5 दिन पूर्व दहेज में मिली कार समेत 2 कारों को ले उड़े चोर। घटना CCTV में हुई कैद। 2 माह पूर्व भी चोर कई गाड़ियों को उठा चुके हैं। दरअसल जिला बरेली के फरीदपुर में बुखारा रोड पर पेट्रोल पंप के समीप प्रेम कुमार गुप्ता के बेटे अंश की 24 मई को संपन्न हुई शादी में मिली इको कार घर के बराबर में खड़ी थी, जिसे 29 मई की अर्धी रात्रि बाद अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। वहीं कुछ ही दूरी पर घटित हुई दूसरी घटना में डॉक्टर इमरान क्लिनिक के दरवाजे पर खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार चोरों ने शीशा तोड़कर चोरी कर ली। उक्त घटना CCTV में कैद हो गई। दोनों कार स्वामियों ने घटना की सूचना 112 पुलिस को दी है। बता दें कि 2 माह पूर्व भी कई 4 पहिया वाहन चोरी किए जा चुके हैं, जिनका कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस चोरों की लगातार तलाश में है। आप देख रहे थे यूपी खबर स्पेशल। आज की खबरों में इतना ही। नमस्कार।